मशा मशा मशा, ये मशाल दोस्ती है, ये मशाल बंदगी है, ये मशाल जिंदगी है। है ये जिनके दिल में रोशन है उन्हीं की ये कहानी, राह जिंदा जिनका ईमान रही खून में रवानी, है जमीर जिनकी पूंजी ये उन्हीं की है कहानी, ये उन्हीं की है कहानी, ये उन्हीं की है कहानी। ऐसा भी एक वक्त यकीनन आएगा, आएगा, आजादी का ख्वाब जवां हो जाएगा, हो जाएगा। ऐसा भी एक वक्त यकीनन आएगा, आएगा, आजादी का ख्वाब जवां हो जाएगा, हो जाएगा। तब न रहेंगी पैरों में ये जंजीरें, जंजीरें, तब न रहेंगी कैद हमारी तकदीरें, तकदीरें। अपना परचम वादी में लहराएगा, लहराएगा, आजादी का ख्वाब जवां हो जाएगा, हो जाएगा। ऐसा भी एक वक्त यकीनन आएगा, आएगा, आजादी का ख्वाब जवां हो जाएगा, हो जाएगा। अपना गुलशन अपने फूलों से महके, हाँ महके, यही तमन्ना दिल में जाके रह रह के, रह रह के। जिसने जो खोया है उस दिन पाएगा, पाएगा, आजादी का ख्वाब जवां हो जाएगा, हो जाएगा। ऐसा भी एक वक्त यकीनन आएगा, आएगा, आजादी का ख्वाब जवां हो जाएगा, हो जाएगा। आजादी का ख्वाब जवां हो जाएगा, सरकार। गुरुजी, इस थाने में आए हुए मुझे 6 महीने हुए हैं। इस बीच में आप अजय की 12 बार जमानत करवा चुके हैं। आखिर आप कब तक उसकी जमानत कराते रहेंगे? जब तक अजय गिरफ्तार होता रहेगा। और अजय कब तक गिरफ्तार होता रहेगा? जब तक भारत आजाद नहीं होता। तो आप समझते हैं कि अजय की गिरफ्तारी से भारत आजाद हो जाएगा? गुरुजी, रात की गहरी नींद में तो लोग आंख बंद कर सपना देखा करते हैं, लेकिन आप लोग भरी दोपहर में आंख खोल कर सपने देख रहे हैं। तुम्हारा नाम भूल गया दरोगा जी। सब इंस्पेक्टर प्रेम प्रकाश। तुम अपना नाम बदल कर प्रेम अंधकार रख लो। क्यों क्यों, मैं अपना नाम क्यों बदल लूं? तुम नहीं बदलोगे तो वक्त बदल देगा। बड़े ना समझो दरोगा जी, इतना भी नहीं जानते कि हर सच्चाई के सच होने से पहले सपना देखना जरूरी है। आप किसे पढ़ा रहे हैं गुरुजी? जानते हैं कितना लंबा सपना देख रहे हैं ये सत्याग्रही? एक बात ध्यान से सुन लो गुरुजी,
अंग्रेजी हुकूमत में सूरज कभी नहीं डूबता, चाहे सपने डूब जाए। दरोगा जी, ये भी तो हो सकता है कि इस कभी ना डूबने वाले सूरज को ग्रहण लग जाए और इस ग्रहण की उम्र इतनी लंबी हो कि अंग्रेजी हुकूमत में अंधेरा छाकर रह जाए। गुरु जी, अगर आपके पास ये लंबी चौड़ी बातें ना हो तो कौन पूछे आपको। प्रणाम गुरु जी। वंदे मातरम दरोगा जी। दरोगा जी, सुना है आजकल पुलिस वाले काफी घूस खाने लगे हैं। किसने कहा? मैंने नहीं सुना। नहीं, वैसे अगर आप शौक रखते हो तो मैं पूरा करने को तैयार हूं। मुंह मांगी रकम मिलेगी, केवल एक बार वंदे मातरम कहना पड़ेगा। मुझे पागल कुत्ते ने काटा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको तो गोरे गोरे लाल लाल बंदरों ने काटा है। बिहेव योरसेल्फ, नहीं तो फिर सेंडर कर दूंगा। वंदे मातरम। वंदे मातरम। अब्दुल्ला जी। हुजूर। क्या बोला तू? जी वंदे मातरम। निकाल दूं क्या नौकरी से? हुजूर, मेरे बच्चों का ख्याल कीजिए। पौधे मुझे अपने बच्चों जैसे लगते हैं। सुबह की व्यार में जब इनकी शाखाएं हौले हौले हिलती हैं तो यूं लगता है जैसे अपनी नन्नी नन्नी बाहें फैलाकर मुझे बुला रहे हैं। लेकिन फिर एक अजीब सा एहसास मुझे दर्द की कटार से काटने लगता है। मुझे इन फूल पौधों की खामोश चीखें सुनाई देने लगती हैं, जैसे कि कह रहे हो ये गुलाम हवा है, ये गुलाम धूप है, ये गुलाम मिट्टी है। फिर आप इन फूलों से क्या कहते हैं गुरुजी? भाई, जो रूसो ने कहा था कि इंसान तो हमेशा आजाद पैदा होता है और फिर गुलामी की जंजीरों से जकड़ दिया जाता है, गुलशन के हर फूल में अगर आजाद होने की प्रबल भावना है तो ये मासूम फूल अपने कांटों से अत्याचारी को हमेशा के लिए मिटा सकते हैं। आप ठीक कहते हैं गुरुजी, हमें इन फूल पौधों की अपने खून पसीने से सिंचाई करनी है, संपूर्ण समर्पण की खाद डालनी है, पूरी सजगता से देखभाल करनी है, तभी आजादी का यह पौधा फले फूलेगा। और अगर आप जैसा माली हमारे साथ है तो यह पौधा वक्त से पहले खिल सकता है गुरुजी। ये बात तो वक्त को मालूम होगी, हमें तो सिर्फ अपना कर्म करना है। सिर्फ परेशान होने की नहीं, पगला जाने की। जानती हूं इस अहदे तक मैं कितनी मेहनत से पहुंचा, लेकिन अपनी औलाद सारी मेहनत पर पानी फेर रही। कल मुझे फिर कड़ी वार्निंग मिलने वाली है। सरकार की सेवा करो या संतान की सहायता। अंग्रेज ये कहते हैं? कहेंगे ही, क्योंकि एक ही छत के नीचे पुलिस और चोर डाकू नहीं रह सकते। इसमें चोरी डकैती सी तो कोई बात ही नहीं। जो देश के काम को चोरी डकैती कहते हैं उनसे कह दो वो खुद ही चोर डाकू हैं। पता नहीं सारे मुल्क को क्या हो गया, लगता है हम एक बहुत बड़े पागलपन के दौर से गुजर रहे हैं, एक बहुत बड़ी बेवकूफी के समंदर में तैर रहे हैं हम।
हाँ, ऐसे में आप जैसे अकलमंदों की तो सचमुच बड़ी मुश्किल है। शारदा बहू, खाना ले आओ। अरे गायत्री बिटिया, जरा थोड़ा सा गुलाब जल ले आना खीर में डालने के लिए। आई माँ। ये लो गुलाब जल, अपने बाबूजी के खीर में डाल दे थोड़ा सा। चल माँ, बाबूजी के हाथ बहुत लंबे हैं, वो खुद डाल लेंगे। इस घर में तो सभी के तेवर बदले नजर आ रहे हैं। देखिए खाते पीते क्रोध मत कीजिए। अच्छा बहुत जल्दी छूट गए, किसी ने जमानत ले ली है क्या? जी ले ली है। थोड़ा सा लाल मिर्च का अचार दे दो। थोड़ा सा क्यों, सारी की सारी बरनी उड़ने दो। शारदा तुम्हें एक राय दूं, हर वक्त इस तरह मुस्कुराया मत कर प्लीज। खीर किस लिए है लक्ष्मी? माफ करिए गायत्री ने गलती से रख दी होगी, लेकिन आप ताकत की कोई चीज नहीं खाते। तुम्हारा मतलब है खीर खाने से ताकत बढ़ती है? देखो लक्ष्मी, असली ताकत उन चीजों को न खाने में है जो जीभ को बहुत अच्छी लगती है। अपनी दाल रोटी किसी से कम है क्या? माफ करिए प्रोफेसर साहब, लाइए आपके हिस्से की खीर मैं खा लेती हूँ। एक बात बताइए, सुनील कॉलेज कितने दिनों से नहीं आया? इतने दिनों से घर नहीं आया। पता नहीं, मुझे कभी कभी शक होने लगता है उसके चाल चलन पर। देखिए धर्मपत्नी जी, आप कुछ भी कीजिए लेकिन हमारे छोटे भाई के चाल चलन पर शक मत कीजिए, वो बहुत अच्छा लड़का है। वो तो मैं जानती हूँ, सुनील को तो मैं अपने बच्चे की तरह प्यार करती हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहती कि वो कोई ऐसा काम करे जो आपके आदर्शों के खिलाफ हो। बहुत बुद्धिमान हो गई हो। आपकी संगत का असर है, आप जानते हैं मैं कौन हूँ? एक जागे हुए पति की जागी हुई पत्नी। आपके जितने सपने हैं ना, सब मेरी आंखों से होकर गुजरते हैं। लक्ष्मी, सच में कितना भाग्यशाली हूं कि मुझे तुम्हारे जैसी लक्ष्मी मिली। तुम मेरी सबसे बड़ी पूंजी हो, सबसे बड़ी शक्ति हो। अब तो थोड़ी सी खीर खा ही लो। खा लो। कहाँ से आ रहे हो मुन्ना? वो सुबह 4 बजे उठ के जरा व्यायामशाला चला गया। वैसे भैया कसरत तो शरीर के लिए बहुत अच्छी चीज होती, क्यों? वो तो है, लेकिन 2 दिन और 2 रात तक कसरत करना शरीर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। सुनील, तेरी भाभी बहुत चिंता कर रही थी। अरे भैया,
अपनी लक्ष्मी भाभी भी बस साक्षात सीता मैया है। मैंने उनसे कितनी बार कहा है घर में बाबूजी है, अम्मा है, अजय भैया है, उन सबको चिंता करने दो, लेकिन वो तो मेरी एक नहीं सुनती ना। सुनते तो तुम भी नहीं हो। मुझे नहीं मालूम तुम्हारा अखाड़ा कहां तक पहुंचा है, लेकिन एक बात याद रखना सुनील, अगर एक भी दांव गलत पड़ा तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। भैया दांव पेचों से तो अपनी अच्छी दोस्ती है, फिर दुर्घटना कैसे हो सकती है? देखो सुनील, अखाड़ा उसका दोस्त है जिसे सेहत बनाने का शौक होता है, और जो सिर्फ कुश्ती जीतने के लिए दांव पेच सीखते हैं अखाड़ा उनका दुश्मन है। इन दिनों तुम्हारी गैरहाजिरी काफी बढ़ती जा रही है। शुभ प्रभात मुन्ना भैया, रात का खाना लगाओ या सुबह का नाश्ता? अरे तू अभी तो पढ़ रही है, चल जा सो जा, आधी रात हो गई है। आधी रात नहीं, सुबह हो गई है। अरे भाई आज तुम गायब कहाँ रहते हो? अरे कुछ मत पूछिए बाबूजी, घनघोर पढ़ाई चल रही है, जहाँ पढ़ो वहाँ खाओ वहीं सो जाओ। बाबूजी इस बार ना मैं पहली पोजीशन लेके आऊंगा, देख लेना। वाह वाह, तब तो मैं तुम्हें पुलिस लाइन में ही लाऊंगा, ऊंचा अफसर बनेगा। आपने तो मेरे मुंह की बात ही छीन ली। बाबूजी मैं भी आपकी तरह डीएसपी बनूंगा। मेरा आशीर्वाद है कि तू और तेरा लंदन वाला भाई प्रकाश दोनों हमारे वंश के कुलदीपक बने, और किसी से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं। बाबूजी मैं समझ गया, लेकिन मेरी एक बात लिख लीजिए, अजय भैया एक दिन इतने बड़े इंसान बनेंगे कि सारा देश उनके पैर छुएगा। अरे भाभी, भाभी, अरे उठ पड़िए, एक तो तेरे दर्शन दुर्लभ है और जब आता है दनादन पैर छूने शुरू कर देता है। अरे भाभी आपको एक बात पता है, पैर छूना भी एक तरह की वर्जिश है, कसरत तय करने रहता है। माँ, अरे अरे मैं अभी नहा धोकर पूजा करने जा रही हूँ, चल दूर छूना ना, लो मेरे पैर छू लो और सुखी रहो। अरे तेरे पैर तो तेरी शादी के दिन पूजने ही है, चल ठीक है ला अभी से शुरू हो जाए। अहम त्वं भ्राता चरणं स्पर्शामि। ये चार पंक्तियां जो मैंने यहां लिखी हैं, ये उस कविता की हैं जो कविवर श्री माखनलाल चतुर्वेदी ने सन 1922 में लिखी थी, जब वो आजादी की लड़ाई लड़ते हुए जेल चले गए थे और उन्हें बिलासपुर जेल में रखा गया था। इस कविता को यदि हम भावनात्मक दृष्टिकोण से आज के संदर्भ में देखें तो हमें पता लगता है कि आज के हर भारतीय की इच्छा को कवि ने किस निर्मलता से, किस खूबसूरती से एक फूल को प्रतीक बनाकर कितनी सरल भाषा में कह दिया है। इन पंक्तियों में तो कवि ने कहा है कि फूल को क्या क्या चाह नहीं है, लेकिन अब जो पंक्तियां मैं लिखने जा रहा हूं उसमें कवि ने फूल की चाह और फूल की इच्छा को व्यक्त किया है। सुनील जी। सर आज तुम फिर देर से आए। लेकिन सर अभी जो आपने पढ़ाया है वो मैंने पढ़ लिया है, और जो आप आगे पढ़ाने वाले हैं वो भी मैंने याद कर लिया है। यानी जो मैं पढ़ाने वाला हूं वो तुमने याद भी कर लिया है, बड़े अचरज की बात है। सर अचरज के काम करने में मुझे बहुत आनंद मिलता है। तो ये करिश्मा हमें भी दिखाइए, सुनाइए कविता जिसका विश्लेषण मैं अभी अभी कर रहा था। जी सर। वहां से नहीं, यहां से, यहां आइए, सबके सामने खड़े होकर सुनाइए। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरी डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ देना बनमाली
मुझे तोड़ देना बनमाली उस पथ पे देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जामे वीर अनेक। सुनील तुमने तो कमाल कर दिया, सर ने तो क्लास में सिर्फ 4 लाइनें पढ़ाई थी और तुमने तो पूरी की पूरी कविता ही सुना डाली। नंदनी इसी को तो प्यार कहते हैं, यही प्यार का जुनून है जो इंसान को दीवाना बना देता है। ये जो मैंने कविता पढ़ी ना, ये तो मेरे खून में थी। मुझे ऐसी कविताओं से बहुत प्यार है जो आग में पकाई गई है, जिसमें शोलों की खुशबू हो, जिसका एक एक शब्द तप रहा हो कम से कम 108 डिग्री बुखार, तभी वो मेरी प्रेमिका बनकर मेरे होंठों तक आती है। ये तो रही कविता की बात जो कागज पर लिखी जाती है, और मैं जो एक हाड़ मास। नंदनी एक मिनट में आया जरा, अभी मैं कर अंग्रेजी की क्लास है। अब मुझे काम याद आ गया, मैं चलता हूं। नमस्कार प्रोफेसर खान, कोई खास खबर है क्या? अमां जब तक आपके बारे में कुछ न छपा हो भला खास खबर कैसे हो सकती है। वैसे बंदा परवर जी, एक इनायत फरमाइएगा आप हम पर। कहिए। अमां मेहरबानी करके आप हमें ये नमस्ते वमस्ते ना किया कीजिए, अगर किसी पुलिस वाले ने देख लिया तो हमें जेल के अंदर बंद कर देगा साहब। मियां बीवी बच्चों वाला हूँ, इनायत फरमाइएगा हम पर। चलिए चौहान साहब, वाजपेयी साहब, खुली हवा में चलते हैं, यहाँ गर्मी कुछ ज्यादा हो रही है, आइए चलते हैं। चलिए प्रोफेसर चौधरी, आप नहीं गए? नहीं अजय बाबू, एक सवाल पूछना है आपसे। पूछिए। सत्याग्रह का अर्थ क्या है? आइए सत्याग्रह की संधि विच्छेद करें। सत्य धन आग्रह अर्थात सत्याग्रह, यानी कि आप आज की सच्चाई को जानें और शासन पर अहिंसक दबाव डालें कि वो इसे माने। चौधरी साहब, और आज की सच्चाई केवल एक है, हमारी गुलामी, और आजाद होने की शक्ति केवल एक है, सत्याग्रह। अजय बाबू, किसी ने कहा है सत्य अपने साथी खुद ढूंढ लेता है, आज से आप मुझे अपना साथी समझिए। वंदे मातरम। वंदे मातरम। है जमीर जिनकी पूंजी, ये उन्हीं की है कहानी, ये उन्हीं की है कहानी, ये उन्हीं की है कहानी।